कीना तुझे कितनी दफा कहा है कि सुबह सुबह आया कर, ये टाइम मेरा माल लाने का होता है। आइंदा जल्दी आऊंगी, आज तो दे दो। पता है मैं फाखरा का इंतजार कर रही थी, नहीं तो कभी की निकल गई होती। पैसे दे मेरे को। ला। उस साइड पर पोजीशन लेकर करो। पर ये पैसे तो कम हैं। दो पुड़िया के ही तो कम है, कल दे दूंगी ना। ना सकीना ना, ये कोई परचून की दुकान नहीं है जो उधार दे दूं। ये शराब नशा जुआ ये सब उधार में नहीं होता। मैं तेरी महल्लेदार हूँ, कौन सा भागी जा रही हूँ, दे दूंगी ना। महल्लेदारों ने सबसे ज्यादा दिमाग खराब कर रहा। चल दफा लेके जा, ये देख अभी नगद माल लेकर आई हूँ, एक दिन का भी उधार नहीं। दरवाजा बंद करो। कौन है देख, वो फाखरा हो तो दरवाजा खुलना, कोई और हो तो भगा देना। फाखरा ही होगी, और किसने आना है। तेरे जैसे बहुत कंगले आते हैं इस गोट में। तुम उस तरफ देखो, पूरे घर की तलाशी लो, चारों तरफ देखो, तुम उस कमरे में देखो, देखो। घर की तलाशी लो, तुम गड्ढे के नीचे देखो, अच्छी तरह तलाशी लो, अच्छी तरह एक एक चीज को छानो। क्या है इसमें? ओ पुड़िया, कबाड़ में देखो, कबाड़ में तो नहीं है कुछ माल। सर कबाड़ में नहीं है। ओ बहुत माल है, सब सब करो और देखो नीचे, इनके पास हो सब सब थैली में डालो माल, और देखो इसमें देखो और इधर लेकर चलो। बहुत तंग करा तुम्हें, आज हाथ से आ गई। चल इन्हें गाड़ी में डालो। जब मैंने सुकन थाने का चार्ज लिया था तो हमारे जो ज़िला मलीर के एसएसपी साहब हैं राव अनवार अहमद साहब, उन्होंने मुझे खसूसी हदायत दी थी, इंस्ट्रक्शन दी थी कि यहाँ पे रेड़ी गोट है, साइली बस्ती है सुकन थाने के हदूद के अंदर, तो यहाँ पे हीरोन वगैरह काफ़ी मकदार में यहाँ पे फ़रोख्त होती है। जब यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि यहाँ जो हीरोन्स वगैरह, एक मतलब नई चीज़ आई देखने के अंदर, मुशाहदे के अंदर, कि यहाँ जो हीरोन्स वगैरह जो सेल्स कर रही थी वो औरतें कर रही थी। तुम दोनों में मीना कौन है? मेरा नाम मीना है। तेरा क्या नाम है? इस बेचारी का नाम तो सकीना है। ये तेरी पार्टनर है? इसको पार्टनर बनाने का क्या फायदा, पार्टनर तो हम आपके जैसे बनाते। बदतमीजी कहती है साहब से, बदतमीजी तेरे दो महीने निकाल दूंगी। आज साहब ने एक इशारा कर दिया। साहब साहब इसको बोले अपना हाथ कंट्रोल में रखे। तू अगर अपनी जबान कंट्रोल में रख के सब कुछ सच सच बताएगी तो इसके हाथ कंट्रोल में रहेंगे। पूछे क्या पूछना है? ये माल तेरा है? हाँ पहले मेरा था, अब आपका है। फिर बदतमीजी? बदतमीजी नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। और साहब इस कमरे की बात इस कमरे में खत्म कर देना, लंबी करने की क्या जरूरत है? वो सब बात की बातें हैं, पहले ये बता तेरे साथ और कौन कौन है। देख मीना बेहतर है सब कुछ सच सच बता दे।
रेड हैंड पकड़ी गई है तू, और ये माल काफी है तुझे सजा दिलाने के लिए। सब कुछ तो तेरे सामने है, अब और क्या पूछना चाहता है? तू कब से ये काम कर रही है? 10-12 साल से। और कौन कौन है तेरे साथ? नाम तो मुझे सबके याद नहीं है। पुलिस जराये के मुताबिक रेड़ी गोट में मंशियात की लानत एक वबा की सूरत में फैल रही थी। और हैरत अंगेज बात यह है कि दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ पर यह कारोबार ख्वातीन कर रही थी, या यूं कह लें कि ख्वातीन इसे घर घर फैला रही थी। इससे नौजवान नस्ल ना सिर्फ मुतासिर हो रही थी बल्कि इलाका मकीन भी बुरी तरह परेशान थे। अल्लाह साईं भला करे। हे बाबा, अल्लाह के नाम भर देता जा बाबा। आजकल बहुत सख्ती है, थोड़ा ख्याल से। हे बाबा, अल्लाह के नाम भर दे बाबा। हे बाबा, हे बाबू, अल्लाह के नाम पे बाबा। पुलिस के मुताबिक मीना इस कारोबार से काफ़ी अरसे से मुंसलिक थी और वो तमाम गुर जानती थी। इसीलिए मीना ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि वो इस गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं। फिर मुकमुका की कोशिशें करने लगी, लेकिन मीना चूँकि रेड हैंडेड गिरफ्तार हुई थी इसलिए उसकी कोई चलाकी काम ना आई। मीना ने पुलिस को बताया कि ये कारोबार पहले उसका शौहर किया करता था, लेकिन शौहर की वफात के बाद उसने ये कारोबार खुद संभाल लिया। मीना ये काम पहले बहुत छोटे पैमाने पर करती थी, लेकिन उसके बाद जब उसकी फाखरा से मुलाकात हुई। कितनी पुड़ियां चाहिए तुझे? 4 दे दे। 4? 4 में क्या कमाएगी? अच्छा ये ले। जल्दी कर, जल्दी। देख मीना, मैंने तुझे पहले भी कई बार बोला है, मेरे साथ कोई आया करे उसे इस तरह नहीं घूरा कर। अच्छा चल, नाराज नहीं हो। तुझे भी तो कितनी दफा का है कि नया पंछी देख के लाया कर। फिकर ना कर, मेरे साथ आने वाला कोई नया नहीं होता है। बेटी तुझे कितनी चाहिए? जल्दी निकल, जल्दी। अरे फाकरा, आ ना, बैठ ना। आ मीना, ये फाकरा है, इसको भी माल चाहिए। एक एक दो दो पुड़िया देती हूँ, इससे क्या होता है? तो खपत ही इतनी है? खपत बढ़ाओ तो क्या सारे इलाके को जबरदस्ती पिलाऊं? जितना माल तुम दिन में बेचती हो ना, उतना मैं अकेले बेच सकती हूँ, और तुम्हारे सेल भी बढ़ा दूंगी। बड़ी ऊंची चीज है, पढ़ी लिखी है। चल ला, सिगरेट तो पिला। भरी हुई या खाली?
अब तेरे पास आके भी खाली पीएंगे क्या? अच्छा चल ये ले पकड़ चला। अब ये बता कि माल कैसे बढ़ाएं? माल बढ़ाओ, मैं भी रकम लगाती हूँ, किसी को 10 पुड़िया से कम नहीं देंगे। इतनी लेगा कौन? अरे सब लेंगे, 10 पुड़िया दो 8 के पैसे लो, दो मुफ्त, फिर देखना कैसे लेते हैं लोग। बात तो ये ठीक कह रही है, जब नशा टूटेगा तो खुद ही लेके जाएंगे, 8 बेचेंगे और 2 खुद के इस्तेमाल में। ये बता तेरा इलाका कौन सा है? मेरा इलाका बहुत बड़ा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब मेरे। चल फिर इसी बात पे हाथ मिला, ये हुई ना बात है।